हेलो गाइज, वाईसेल पार्क के विक्रम वर्मा। और आज था निफ्टी का एक्सपायरी। निफ्टी के एक्सपायरी में बहुत ही जबरदस्त और शानदार मूव देखने को मिला है हम सबको। और हम लोग जैसा प्री एनालिसिस में हम लोग पिछले दिन के एनालिसिस में जो बताए थे, जस्ट वैसे ही बिहेव किया। हमारा प्लानिंग था 19,600 के बिलो अगर मार्केट निकले तो टारगेट 19,550। एग्जैक्टली देखिए 19,550 से ही सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर 19,630 के पास गया, जहाँ से हम लोग कॉल का प्लानिंग था अपर साइड का। लेकिन वहीं से देखिए रिटेस्ट किया फिर 19,600 के पास से, और मार्केट ब्रेकआउट देकर के ना कंटिन्यू ऊपर का टारगेट को हिट किया है। उसके बाद हम लोग जो ट्रेड देखिए यहाँ प्लेस किए हैं, एक तो हमने बैंक निफ्टी में किया था 300 वाला 356 गया। बाकी देखो ये वाला ट्रेड क्या जैकपॉट ट्रेड है, 27 में उठाए, 120 का हाई लगा, कैपिटल 4.5x। नेक्स्ट जो हमारा है 43 में हम लोग एक उठाए, 180 का हाई लगा, कैपिटल 4x। एक हमने ये देखिए सबसे शानदार और जबरदस्त आज का प्रॉफिट था, हमने 9 रुपया में एक प्रीमियम को उठाया और 80 रुपया का हाई लगाया, कैपिटल 8x, मतलब 800% का रिटर्न एक ही दिन में और एक ही टाइम में। तो ये बहुत ही बढ़िया और ये शानदार, हम लोग सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम में ये सब चीज़ डिस्कस कर रहे थे। और सब अगर आप भी हमारे लाइव में आकर के सारी चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 1:30 PM में मैं डेली लाइव आ जाता हूँ। आप आइए, वहाँ लर्निंग क्लासेस में ज्वाइन करिए जो कि बिल्कुल फ्री है। आप ज्वाइन करके सारी चीज़ें लर्निंग एंड अर्निंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस किया जाता है। तो चलिए, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो देख लेते हैं कि कल सेंसेक्स के एक्सपायरी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, क्या सेटअप हो सकता है, कहाँ से हीरो जीरो ट्रेक करेंगे, कहाँ से रिजेक्शन आएगा, कहाँ तक का टारगेट हो सकता है, ये सब चीज़ अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंतिम तक, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से आपको आप ट्रैप से बचने वाले हैं, कैसे हीरो जीरो ट्रैप होता है ना। तो देखिए अभी मार्केट यहाँ बिल्कुल इस जगह पे अभी चल ही रहा है, लगभग 3:20 के आसपास टाइमिंग हो रहा है। मैंने लाइव मार्केट में ही ये सारी चीजें बना रहा हूँ, तो अगर हमने वन डे के चार्ट में अगर देख रहा हूँ तो कंटिन्यू अभी सेंसेक्स जो बुलिश दिख रहा है, बढ़िया एक मूव दिख रहा है, अप ट्रेंड का मूव दिख रहा है, और अभी अच्छा एक टारगेट भी दिख रहा है ऊपर साइड का सिनेरियो अगर देखा जाए हम लोग डे वाले चार्ट में। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग देखते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें एक ब्रेकआउट मिला है और टारगेट हम लोग 64,480 तक का है, जो कि हमको लगता है आज हीट नहीं कर पाएगा। तो नहीं हीट कर पाएगा तो हाई चांसेस है कि कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, बाई चांस अगर चांसेस फ्लैट की तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ देखिए एक बॉक्स बन रहा है। ये बॉक्स का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, या तो यहाँ पे जैसे ही ये जो टाइम पास कर रहा है मार्केट, राइट, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जो टाइम पास कर रहा है, मतलब ये तो क्लियर है कि 66,300 के ऊपर कल मार्केट निकले ना, तो सीधा सीधा टारगेट 66,480 तक के लिए रखिएगा। 66,480 हमारा टारगेट होगा क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट में चांसेस है कि ये ऊपर का सिनेरियो दिखाएगा। हाँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे आना शुरू करे तो हम लोग थोड़ा सा और नीचे आने देंगे 66,200 तक का। 66,200 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलता हुआ दिखे, प्लान करिएगा 66,050 तक का, यहाँ से सीधा यहाँ का टारगेट, राइट। तो ये हमारा फ्लैट ओपनिंग की सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट गैपअप हो जाए, गैपअप करने का मतलब 66,480-65,000 के आसपास हो जाए, तो ध्यान देना है कि मार्केट 66,400 के ऊपर ही कंसोलिडेट करे तो मार्केट नया एक हाई, मतलब नया मतलब एक बुलिश होने का एक सिनेरियो दिखा सकता है 66,886 तक का। मार्केट कहीं 66,400 के नीचे निकलना शुरू करे और 300 के पास आकर के होल्ड करे तो यहाँ भी देखना है कि क्या प्राइस होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड करे तो फिर से कॉल का प्लान करेंगे, नहीं तो अगर यहीं इसको ब्रेक करे तो सीधा सीधा मार्केट फिर नीचे का एक सिनेरियो देखने को मिलेगा और एक अच्छा फॉल देख सकते हैं वहाँ पे। अब रही बात की ये हमने गैप डाउन का बता दिया, गैप डाउन अगर हो जाए, अगर गैप डाउन 66,200 के आसपास हो जाए, अभी 240-248 के पास अभी मार्केट करेंटली मूव कर रहा है, और इसके बिलो अगर मार्केट जैसे 66,100 या 200, तो ध्यान देना है 66,050 के ऊपर जब तक रहे तब तक तो हम लोग बाय ऑन डीप का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, मार्केट ऊपर का ही सिनेरियो दिखा सकता है। हाँ, इसके नीचे अगर निकलना शुरू करें 66,050 एंड 66,000 के नीचे, तो समझ जाइए कि वहाँ से मार्केट में थोड़ा सा बियरिश वाला सिनेरियो या फिर पुट साइड का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं डाउन साइड का, राइट। अब लेवल वाइज अगर देखी जाए तो नीचे के लिए टारगेट हमारा 65,500 तक के लिए, और अपर साइड का टारगेट 67,000 तक का भी टारगेट जा सकता है।
67,200 तक का। तो ये हमारा क्लियर व्यू है। मैं डेली 1:30 PM में लाइव आ जाता हूँ और मॉर्निंग में भी लाइव आता हूँ। तो 1:30 PM में आइए, वहाँ हम लोग सेंसेक्स का हीरो जीरो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइव में ना बहुत ही अमेजिंग जबरदस्त हम लोग सारी चीज़ें लर्निंग एंड अर्निंग सीखते हैं। जैसे ही आज का ही देख लीजिए, 9 रुपया वाला प्रीमियम क्या जबरदस्त मूव किया है। हमने यहाँ से उठाया 9 रुपया वाला और सीधा सीधा 80 रुपया का हाई लगा है। तो ये बहुत ही जबरदस्त मूव था, जो कि मैक्सिमम लोगों ने, हमारे जितने भी आज के लाइव स्ट्रीम में लोग कनेक्ट हुए थे, मैक्सिमम लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है यहाँ। तो आप भी बना सकते हो। देखिए यहाँ हमने कुछ लोगों का यहाँ प्रॉफिट यहाँ जो कमेंट में लोगों ने डाला है, ये देखिए लगभग कोई 8 में लिए 75 में बेचे, है ना। ये सारी चीज़ देखिए, 10,000 का प्रॉफिट बुक किए, 5,000 का प्रॉफिट, 20,000, 15,000, 4,000, इस तरीके से 5,000, ओवरऑल सारे लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बुक किया हमारे लाइव स्ट्रीम में। तो आप वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हो। हाँ, अगर आप हमारे सारी चीज़ें अपडेट को ट्रैक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए वहाँ पे ज्वाइन करिए। अगर आप हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो LIC ब्लू एंड स्टॉक का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जा करके अकाउंट ओपनिंग करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक फ्रेश नई लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।